हेलो बच्चों नमस्कार, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम न्यूमेरिकल मेथड्स के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट, जिसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बाय क्राउट्स मेथड। इस मेथड को स्टूडेंट्स हम लोग एलयू डीकंपोजिशन मेथड भी कहते हैं, बिकॉज इसमें जो बॉडी मैट्रिक्स होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, उसे हम लोग दो मैट्रिक्स एल और यू में डिकम्पोज करते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले इस मेथड का वर्किंग रूल देखते हैं और फिर एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे कि कैसे किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग एलयू डीकंपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आइए देखें जरा वर्किंग रूल बच्चों। लेट या कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन स्टूडेंट्स, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ओके, दिस इज वन, वेयर वेयर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड सेट। ठीक, मतलब कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये थ्री वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये ax is equals to b हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, पुट, फिर हम इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, क्या a is equals to lu, a is equals to lu, या फिर लेट, इसे हम लोग लेट करते हैं, लेट a is equals to lu where where L is equals to a lower triangular matrix student, जिसकी value होगी 1 0 0, L to 1 1 0, L 3 1, L 3 2 and 1, and U is equals to a upper triangular matrix U 1 1 U 1 2, U 1 3 0 U 2 2 U 2 3 0 0 U 3 3, this one is हमारा जो पहला काम होगा, जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसमें जो बॉडी मैट्रिक्स ए होगा उसे हम लोग एल और यू दो मैट्रिक्स में डिकम्पोज करेंगे, जहां पर एल मैट्रिक्स एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होंगे, 1 1 1 होंगे, L21, L31, L32 other elements. U एक upper triangular matrix होगा जिसमें कि elements होंगे U11, U12, U13, U22, U23 and U33 students. Now, जब हम लोग A को L और U दो matrix में decompose कर देंगे, then इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे students? Then इसके बाद में students, A और B, sorry, 1 और 2 की मदद से क्या मिल जाएगा हमें? By 1 and 2, by 1 and 2 we get u l u x is equals to b, this is 3, a की जगह पर l u substitute करेंगे, we will get l u x is equals to b, यहां पर एक substitution करना है students, put u x is equals to y, where y is equals to y1 y2 y3, right students, ux is equals to हमें y substitute करना है, जहां पर y एक column matrix होगा variables का, जो कि जिसमें कि उतने ही variables होंगे जितने कि x में थे students, तो ये हमारे पास में आया students। now जैसे ही हम लोग ux is equals to y substitute करेंगे, then 3, इसको भी नाम दे देते हैं student 4, then 3 become, तो हमें क्या मिल जाएगा, इट्स अ एल वाई इज इक्वल्स टू बी, इट इज एल वाई इज इक्वल्स टू बी, इसको नाम दे देते हैं 5। सॉल्विंग 5 फॉर वाई, सॉल्विंग 5 फॉर वाई, हम स्टूडेंट्स इसमें यू एक्स इज इक्वल्स टू वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम एल वाई इज इक्वल्स टू बी। अब L हमारे पास है ऑलरेडी,
बी भी हमारे पास में है, तो हम इस एल वाई इज इक्वल टू बी की मदद से इसे सॉल्व करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको वापस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, तो हम y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 में, पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू 4 एंड सॉल्व इट फॉर x, और उसे फिर x के लिए सॉल्व कर देंगे। तो जो भी x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सलूशन होगा, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना था फाइनली, ax is equals to b में x की वैल्यू फाइंड करना था। तो फाइनली हम लोग इस तरह से x की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये चीज बतानी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि अगर हम a को l और u में डिकम्पोज ना करें तो ये मैथड फिर यूजलेस हो जाएगी। इस मैथड का बेसिक जो कंसेप्ट है वो यही है कि आप इस मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, L में और U में। तो उससे होता ये है कि इस LY को इस L के साथ जब हम सॉल्व करते हैं तो Y बहुत इजीली आ जाता है, और फिर जब इस Y की मदद से UX is equals to Y को हम सॉल्व करते हैं तो इस U के कारण X की वैल्यू हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। आई रिपीट, इस वर्किंग रूल को अपने दिमाग में रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहां पर क्या 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 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, हमारे पास ये सिस्टम है, सबसे पहले ए को डिकम्पोज करना है एल और यू में। जब एल और यू में डिकम्पोज हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एल यू एक्स इज इक्वल्स टू बी मिलेगा। यू एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है एक अननोन वेरिएबल वाई से, जहां पर वाई इज इक्वल्स टू वाई वन वाई टू वाई थ्री रहेगा। फिर y की वैल्यू को स्टूडेंट्स, y की वैल्यू और इस lux equals to b की मदद से हमें ly equals to b मिलेगा, जहां पर y को सॉल्व, जहां पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो उसे यहां रख देंगे तो x की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर जिसकी मदद से हम आगे बढ़ेंगे। अब आइए जरा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व बाय क्राउड्स मेथड, सॉल्व बाय क्राउड्स मेथड, और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3, 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4 स्टूडेंट्स। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स बाय क्राउड्स मेथड। अब आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट सबसे पहला जो काम है, लेट दी गिवन सिस्टम, तो इस सिस्टम को हम ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये कैसे बन जाएगा स्टूडेंट, इट बिकम 3 1 1 1 2 2 2 1 3, और यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट्स x y z एंड इज इक्वल्स टू 4 3 4। ओके, लेट द गिवन सिस्टम, ये इसको इस तरह से लिख दिया स्टूडेंट्स, और यू कैन से इट्स अ ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, जहां पर ये ए है, ये एक्स है और ये बी है स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट अगेन ए इज इक्वल्स टू एल यू, ए इज इक्वल्स टू एल यू स्टूडेंट्स, जहां पर स्टूडेंट्स जो एल यू है उस LU की वैल्यू क्या है हमारे पास में, उस LU की वैल्यू जो आपने वर्किंग रूल में लिखी थी वो यहाँ पर लिख दीजिए और A भी लिख दीजिए। तो A हमारे पास में क्या था, इसको नाम दे दीजिए 2। तो अब A क्या था हमारे पास बच्चों, 3 1 2 1 2 2 2 1 3, और L था बच्चों हमारे पास में 1 0 0 L 2 1
1 0, L3 1, L3 2 1, U1 1, U1 2, U1 3, 0, U2 2, U2 3, 0 0, and U3 3. ठीक है. एंड नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना है. मतलब हमने ये सब्स्टिट्यूट कर लिया, a इज इक्वल्स टू l की वैल्यू ये है, u की वैल्यू ये है. अब इस l और u का मल्टीप्लाई करना है और सिंपलीफाई करना है हमें, और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, जितनी भी वैल्यू दिख रही है अननोन. तो आइए जरा स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं पहले. तो यहां पर हम लिखेंगे यस इज इक्वल्स टू ये इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. अब ना मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. तो रो में कॉलम का, तो हम लोगों को सबसे पहले मिलेगा U11, यहाँ मिलेगा U12 स्टूडेंट्स, और यहाँ मिल जाएगा U13. क्योंकि बड़ा बनेगा इसलिए मैंने जगह थोड़ा सा लेके रखा है, स्पेसियस मैट्रिक्स लेके चलिएगा स्टूडेंट्स. तो पहले रो में पहला कॉलम तो U11, पहले रो में दूसरा कॉलम तो U12, पहले रो में तीसरा कॉलम तो U13 स्टूडेंट्स. नाउ अब हमें U13, अब हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम, दूसरे रो में पहले कॉलम में. तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स U11, L21, आगे मिलेगा स्टूडेंट्स U12, L21 एंड प्लस U22. सेकेंड रो में थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमें मिलेगा U13, L21 प्लस U23, ओके, प्लस U23. जब स्टूडेंट थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम का करेंगे तो हमें मिलेगा U11, L31. जब दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमें मिलेगा U12, L31 प्लस L प्लस U22, L32. और जब थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम का स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा U13, L31, U23, L32 एंड प्लस U33 एंड प्लस U33. अभी कि मैं इसको अलग ही लिख देता हूं, प्लस U33, ठीक है ना, इट्स अ U33. तो बच्चों कुल मिला के हमारे पास में इस तरह से ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में रिजल्ट आया. और लेफ्ट हैंड में तो स्टूडेंट चल ही रहा है, लेफ्ट हैंड में क्या है, एक ए मैट्रिक्स है, इट्स अ 3 1 2 3 1 2, ओके, 1 2 2 2 1 3, ये चल ही रहा है स्टूडेंट्स. ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि राइट हैंड साइड में भी एक 3x3 मैट्रिक्स है और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक 3x3 मैट्रिक्स है. अब इन दोनों को हम कंपैरिजन करना शुरू करेंगे ताकि हमारे पास में ये जितने भी वैल्यूज दिख रही हैं ये वैल्यूज आ जाए स्टूडेंट्स. तो आइए जरा इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. तो इक्वेटिंग बोथ साइड, हम लोग किस तरह से इक्वेटिंग करेंगे बच्चों, कॉलम वाइज, है ना, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं इक्वेटिंग और रो वाइज भी कर सकते हैं. तो जब कॉलम वाइज करेंगे स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा, U11 की वैल्यू आएगी 3, जो भी वैल्यू आती जाए उसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा. जब सेकेंड को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, तो U11 इंटू L21 इज इक्वल्स टू 1 आएगा. तो क्योंकि U11 की वैल्यू स्टूडेंट्स 3 आ चुकी है, तो L21 कितना हो जाएगा, L21 इज इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक, नाउ जब थर्ड को कंपेयर करेंगे तो इट्स U11 इनटू L31 इज इक्वल्स टू 2. तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास में U11 की वैल्यू क्योंकि 3 आ चुकी है,
तो एल थ्री वन इज इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा बच्चों 2/3। तो जब पहले रो को हमने कंपेयर करा तो हमारे पास में ये तीन वैल्यूज इस तरह से आ गई हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग दूसरे वाले कॉलम पे। जब दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा u12 इज इक्वल्स टू 1, u12 इज इक्वल्स टू 1 एंड नेक्स्ट u12 l21 प्लस u22 इज इक्वल्स टू 2 हम लोग वो को मिलेगा स्टूडेंट्स। और हमारे पास में क्योंकि स्टूडेंट्स u12 की वैल्यू 1 आ गई है तो इट्स अ 1, l21 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इट्स अ 1/3, तो u22 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से बच्चों u22 की वैल्यू कितनी आएगी, इट्स अ 2 - 1/3, तो 2 - 1/3 यानी कि 6 - 1, तो इट्स अ 5/3। यस, सो u22 इज इक्वल्स टू आया 5/3, है ना। इसको आप लोग खुद भी क्रॉस चेक करते जाइएगा, अगर मैं कहीं गलती कर दूं बीच में तो आप अपनी कॉपी में करते समय जरूर करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ पर u22 की वैल्यू 5/3 आ गई है। अब तक हम लोगों ने पहले कॉलम को कंपेयर किया तो हमारे पास में u11 l21 एंड l31 की वैल्यूज आए। फिर दूसरे कॉलम को कंपेयर करना शुरू किया स्टूडेंट, तो u12 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास में आया है 1 एंड u22 की वैल्यू 5/3 आ गई है। अब आइए जरा हम लोग इस तीसरे एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में l32 की वैल्यू क्या आती है। तो जब हम इसको इक्वेट करते हैं स्टूडेंट तीसरे एलिमेंट को तो हमें मिलेगा u12 इंटू l31 प्लस u22 इंटू l32 इज इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स। और यहां से हम लोगों को मिल जाएगा u12 की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोग निकाल चुके हैं इट्स अ 1, इंटू l31 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इट्स अ 2/3, प्लस u22 की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं इट्स अ 5/3, और ये l32 स्टूडेंट्स, तो इट्स l32 इज इक्वल्स टू 1। जब इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो l32 इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 - 2/3, ठीक है ना। और ये 5/3 को आप यहां पर क्रॉस में लेके जाएंगे तो इट बिकम 3/5, ठीक है। पहले इसको इधर लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम स्टूडेंट्स व्हाट, इट बिकम 3 - 2 यानी कि 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम लोगों के पास में जो l32 है l32 की वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक। तो ये l32 की वैल्यू आ गई 1/5, तो ये भी आ गया स्टूडेंट्स। अब आइए जरा तीसरे कॉलम को कंपेयर करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाकी की जो वैल्यूज हैं बची हुई उनकी क्या वैल्यू आती है। तो यहां पर स्टूडेंट्स u13 इज इक्वल्स टू होगा 2। आई थिंक स्टूडेंट्स इसमें कुछ गड़बड़ है, जरा देखो यहां पर आई थिंक यस यहां पर 2 नहीं था बच्चों, यहां पर 1 था बेसिकली। तो स्टार्टिंग में अगर हमने कुछ गलतियां में लिखा हो यहां पर मैट्रिक्स में तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए जरा थर्ड कॉलम कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें u13 इज इक्वल्स टू मिलेगा 1, तो इट्स अ u13 इज इक्वल्स टू 1, ये भी आ गई स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास में। जब हम लोग अगले वैल्यू को कंपेयर करते हैं इस एलिमेंट को वहां पे तो इट बिकम u13 l21 प्लस u23 इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों क्या, u13 इट्स अ 1, l21 की वैल्यू है स्टूडेंट्स इट्स अ 1/3 प्लस u23, तो u23 इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से बच्चों u23 की वैल्यू आएगी, ये इस तरफ जाएगा तो इट बिकम u23 इज इक्वल्स टू 2 - 1/3, तो इट्स अ 6 एंड इज इक्वल्स टू 5/3 स्टूडेंट्स। तो यहां पर बच्चों u23 की वैल्यू आई है 5/3 स्टूडेंट्स, ठीक। दिस इज द वैल्यू ऑफ u23, इट्स अ 5/3 स्टूडेंट्स। तो हम लोग फिर से देखें स्टूडेंट्स, ये इस तरफ जाएगा, हमारे पास में इसकी वैल्यू 1 आई थी, l21 की वैल्यू 2/3 थी, सॉरी l21 1/3 थी, नॉट 2/3, वो तो l31 की वैल्यू है। u23 इट्स इधर भी आ गई, ट्रांसफर हुआ स्टूडेंट्स, 2 - 1/3 इट्स अ 6 - 1 यानी 5/3। एंड नाउ स्टूडेंट्स लास्टली हम लोग थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे कॉलम नंबर 3 के,
तो हमें मिलेगा यू वन थ्री इंटू एल थ्री वन प्लस यू टू थ्री इंटू एल थ्री टू प्लस यू थ्री थ्री इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स थ्री, इट्स इक्वल्स टू थ्री। एंड जब इसमें हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यू वन थ्री, यू वन थ्री की वैल्यू है हमारे पास में कितनी है बच्चों, यू वन थ्री है वन। एल थ्री वन, एल थ्री वन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, इट्स एल थ्री वन है बच्चों टू बाय थ्री। प्लस यू टू थ्री, यू टू थ्री की वैल्यू हमने निकाली है फाइव बाय थ्री, तो ये फाइव बाय थ्री। एल थ्री टू, एल थ्री टू की वैल्यू हमने शायद अभी अभी निकाली होगी, नहीं पहले से ही है, इट्स एल थ्री टू यानी कि वन बाय फाइव, ठीक है। एंड प्लस यू थ्री थ्री इज इक्वल्स टू थ्री, तो यहां से बच्चों यू थ्री थ्री, यहां से यू थ्री थ्री इट इम्प्लाइज दैट यू थ्री थ्री की जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिल जाएगी, ये फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट्स अ टू बाय थ्री एंड डिवाइड बाय वन बाय थ्री, दोनों ऐड हो जाएंगे तो थ्री बाय थ्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों के पास में जो फाइनली वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी, वी गेट टू बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री एट थ्री बाय थ्री, सो वन यानी कि यू टू टू की, सॉरी यू थ्री थ्री की वैल्यू आ जाएगी थ्री माइनस वन यानी कि टू, तो इट्स यू थ्री थ्री स्टूडेंट्स, तो यू थ्री थ्री की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, टू स्टूडेंट्स, ठीक। अब नाउ स्टूडेंट्स इन तीन, इन सारी वैल्यूज की मदद से हम लोगों को फिर वैल्यू मिल जाएगी एल की, व्हाट इज एल, नाउ द एल बिकम वन जीरो जीरो एंड यहां पर स्टूडेंट्स एल टू वन, तो एल टू वन की वैल्यू हमारे पास है वन बाय थ्री, सो वन जीरो। एल थ्री वन, एल थ्री वन की वैल्यू हमने निकाली है, यस व्हाट इज एल थ्री वन, इट्स अ टू बाय थ्री एंड जीरो एंड इट्स अ वन स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में ये आ गया। नाउ यू, यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट्स यू वन वन, यू वन वन की वैल्यू है थ्री वन वन एंड इट्स अ जीरो। यू टू टू की वैल्यू आई है फाइव बाय थ्री एंड यू टू थ्री की वैल्यू आई है अगेन फाइव बाय थ्री एंड यू एल थ्री, सॉरी मैं यहाँ कुछ गड़बड़ कर गया, एल थ्री टू की वैल्यू तो मैंने लिखा ही नहीं, एल थ्री टू की वैल्यू है वन बाय फाइव, ओके एंड जीरो एंड जीरो एंड यू थ्री थ्री की वैल्यू आई है फाइनली टू। तो बच्चों हम लोगों के पास में एल भी आ गया है, यू भी आ गया है, तो हमने मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज कर दिया है और एल और यू को इस तरह से फाइंड कर लिया है स्टूडेंट्स। अब इनकी मदद से हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमारे पास में दो ही इक्वेशन है जिसमें हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू एल यू, अब इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं आगे क्या मिलता है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और ध्यान रखिएगा कहीं कोई गलती हो तो आप लोग खुद आइडेंटिफाई। तो स्टूडेंट्स एल और यू आ गया है, नाउ अब बाय इक्वेशन वन एंड टू एल यू एक्स इज इक्वल्स टू बी, ओके दिस इज थ्री स्टूडेंट्स, लेट यू एक्स इज इक्वल्स टू वाई, दिस इज फोर वेयर वाई इज इक्वल्स टू वाई वन वाई टू वाई थ्री, ठीक है ना। देन three become students what l y is equals to b and now what is l, l हमारे पास में है it's a 1 0 0 one by three 1 0 two by three 1 by 5 and 1 and what is y, y अभी आपको दिख ही रहा है y है y 1 y 2 y3, ठीक। एंड व्हाट इज b, b की वैल्यू आप लोग ओरिजिनली मैट्रिक्स में देखिए इनिशियली, तो इट्स अ 4 3 4, तो ये आ गया 4 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसे वापस ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दिख रहा है इसे वापस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और y1 y2 y3 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो ly इज इक्वल्स टू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट, सॉरी ये जो ux इज इक्वल्स टू y सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो ux है इसको जब y रखते हैं तो इट बिकम 3 जो है
वो कुछ ऐसा बन जाता है। फिर उसमें एल रख देते हैं, वाई रख देते हैं, बी रख देते हैं और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स वाई कितना आता है। तो पहली वैल्यू तो हम स्टूडेंट्स आपको दिख ही रही होगी कि वाई वन इज इक्वल टू फोर आएगा, तो वाई वन फोर आया। फिर स्टूडेंट्स वाई वन बाय थ्री प्लस वाई टू इज इक्वल टू थ्री। तो यहां से बच्चों जो y2 की वैल्यू आएगी 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 4, तो इट्स अ 4 बाय 3, इट बिकम 9 माइनस 4, यानी कि y2 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 बाय 3। तो ये आया y2 स्टूडेंट कितना आया, इट्स अ 5 बाय 3। और फाइनली एक इक्वेशन और बनेगी, इट्स अ 2 by 3 y1, 2 by 3 y1 plus 1 by 5 y2 plus y3 is equals to 4 बच्चों, is equals to 4। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारे पास फाइनली जो y3 है वो आ जाएगा 4 माइनस, यहाँ 4 रखेंगे तो इट बिकम 8 by 3 एंड माइनस यहाँ y2 की जो वैल्यू है वो 5 by 3 है तो इट बिकम 25 by yes it become no sorry जैसे ही आप y2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा तो it become 1 by 3, तो it become 1 by 3। तो यहां से बच्चों फिर y3 कितना आ जाएगा, yes it's 12 minus 9, तो 12 minus 9 आप करेंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, yes 12 minus 9 यानी कि 3 और 3 by 3 यानी कि 1। तो y3 की जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई है 1 क्लास में, है ना। आप एक बार फिर क्रॉस चेक कर लीजिए, ये LCM 3 यहां 12 हो जाएगा, 12 minus 8 minus 1 तो minus 9 and 12 minus 9 3 by 3, तो हमारे पास y3 is equals to कितना आ गया, हमारे पास 1 आ गया y3। नाउ अब फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि जब इस y1 y2 y3 को हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे इस ux equals to y में तो x क्या मिलेगा, और हम लोगों का फाइनल स्टेज में स्टूडेंट्स। नाउ बाय इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन 4 बच्चों तो u क्या था हमारे पास में, हमारे पास में u की वैल्यू थी 3 1 1 0 5 by 3 5 by 3 0, 0, 2। X क्या था बच्चों, X, Y, Z। और हमारे पास में बच्चों जो Y1, Y यानी Y की जो वैल्यू आई है यहाँ पर by 4 से, तो इट्स Y1 की वैल्यू है 4, Y2 की वैल्यू है 5 by 3 और Y3 की वैल्यू है 1। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। जब हमने यहाँ पर इक्वेशन बनानी शुरू करी थी तो ऊपर से बनानी शुरू करी थी, अब यहां पर बनाना शुरू करेंगे तो नीचे से बनाना शुरू करेंगे। तो जो पहली इक्वेशन बनेगी बच्चों वो बनेगी 2z is equals to 1, तो यहां से z is equals to आ जाएगा half, right? दूसरी इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट्स तो इट्स 5 by 3 y1 plus 5 by 3 y2 is equals to 5 by 3, तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोगों को मिल जाएगा y1 plus y2 is equals to 1, तो इट्स अ y1 plus y2 is equals to 1, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या 5 by 3 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। अब नाउ बच्चों मैं शायद कुछ गलती कर गया हूं, यहां पर आना चाहिए था y केवल और यहां आना चाहिए था केवल z, सॉरी। तो यहां पर बच्चों ये y और इट बिकम z, तो y plus z is equals to 1 जिसमें से z की वैल्यू 1 by 2 आई है, तो यहां जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट y is equals to 1 by 2 again, ठीक है ना, क्योंकि z 1 by 2 आ गया था, 1 minus 1 by 2 is 1, and last equation, it's a 3x plus y plus z is equals to 4, तो यहाँ पर बच्चों 3x is equals to 4 minus 1 by 2 minus 1 by 2, तो 1 by 2, 1 by 2, it's a 1 minus 4, मतलब 4 में से माइनस करेंगे तो इट्स अ 3 एंड x is equals to 3 by 3 यानी कि 1, तो हमारे पास बच्चों x की वैल्यू आई 3 by 3, hence जो सॉल्यूशन है बच्चों इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का वो सॉल्यूशन आया है x is equals to 1,
y is equals to 1 by 2 and z is equals to 1 by 2. So this is the solution of the equation earlier we started students, और उसका सलूशन ये आया है क्राउड्स मेथड. तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्राउड मेथड आप लोगों को समझ में आई होगी और इसका बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि हमें इसमें बेसिकली करना क्या है. पहले मैट्रिक्स ए को डिकम्पोज करना है ए में और सॉरी डिकम्पोज करना है एल में और यू में. जब वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इसमें, बिकॉज एल और यू को मल्टीप्लाई करना, फिर उनको इक्वेट करना और सारी वैल्यू निकालना थोड़ा लंबा काम है और ध्यान देने वाला काम है. इसमें गलतियां ज्यादा होती हैं, ठीक है ना. अक्सर मुझसे भी गलतियां होती हैं, इसलिए आप प्लीज इस चीज को ध्यान से करें ना, और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. प्रैक्टिस ज्यादा करें तो नहीं होंगी. देन इसके बाद में आप जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उसकी मदद से एल यू एक्स इज इक्वल टू बी बनाएंगे. दिस वन इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे यू एक्स इज इक्वल टू वाई का, जहां पर वाई एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें कि अननोन्स होंगे और ये अननोन्स उतने ही होंगे जितने कि आपके पास एक्स में वेरिएबल्स थे. फिर इस यू एक्स इज इक्वल टू वाई को रखने पर जो 3 है वो एल वाई इज इक्वल टू बी बन जाएगा. हमारे पास बी है, एल भी है, वाई हमें निकालना है, तो वाई को रख देंगे, एल रख देंगे, बी रख देंगे, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास वाई वन वाई टू वाई थ्री आ जाएगा. इस वाई वन वाई टू वाई थ्री की वैल्यू को इस वाई में यू की वैल्यू को रखेंगे और एक्स की वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा जो कि हमें निकालना है. ये एक डायरेक्ट मेथड है स्टूडेंट जिसकी मदद से हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो ये क्राउड्स मेथड भी स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स में फिनिश हुआ. हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है. और इस तरह के क्वेश्चंस को आप एलयू डीकंपोजिशन से ज्यादा करें. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.